नया साल शुरू होते ही गेहूं की कीमतों में आ सकता है जोरदार उछाल। बाजार जानकारों के अनुसार वर्ष 2023 के जनवरी महीने में गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2023 की शुरुआत के साथ ही गेहूं की कीमतों में इजाफा हो सकता है। इसके पीछे कारण ये है कि सरकारी गोदामों में रखे हुए गेहूँ की मात्रा पिछले 6 साल के निचले स्तर पर है, जबकि नया गेहूँ आने में अभी काफी वक्त है। ऐसे में सरकारी गोदामों में स्टॉक कम होने से गेहूं के भाव में तेजी आ सकती है। बाजार जानकारों की माने तो नए साल की शुरुआत में ही गेहूं के भावों में तेजी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रति टन के हिसाब से करीब 2,000 रुपए की बढ़ोतरी होने की संभावना है। गेहूं की कीमतों में तेजी का अनुमान इस आधार पर लगाया जा रहा है। दरअसल सरकार के गोदाम में दिसंबर महीने में रखा गया गेहूं का स्टॉक अपने पिछले 6 महीने के सबसे निचले स्तर पर है। इससे गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची हैं। इस महीने के शुरू में गेहूं का कुल स्टॉक 19 मिलियन टन था, जो 1 दिसंबर 2021 को 37.85 मिलियन टन था। इस समय मौजूदा स्टॉक 2016 के बाद से सबसे कम है। इससे पहले 2014 और 15 में सूखे के कारण कम उत्पादन हुआ था, जिससे इन्वेंट्री गिरकर 16.5 मिलियन टन रह गई थी। बाजार जानकारों की माने तो यदि गेहूं की कीमतों में इजाफा होता है तो 2,000 रुपए की बढ़ोतरी प्रति टन हो सकती है और गेहूं के भाव 29,000 रुपए प्रति टन के आसपास जा सकते हैं। अभी गेहूं का भाव 27,000 रुपए प्रति टन के आसपास है। बाजार एक्सपर्ट्स गेहूं के भाव में बढ़ोतरी के 2 कारण मानते हैं। पहला, सरकार की फ्री राशन वितरण योजना, और दूसरा, नई कोई सप्लाई न आना। उनके मुताबिक अधिकांश गेहूं फ्री राशन वितरण योजना में जा रहा है और दूसरा, गेहूं की कोई नई सप्लाई नहीं आ रही। नई फसल भी अप्रैल तक आएगी। ऐसे में जो स्टॉक बचा है उसी से ही काम चलाना होगा। स्टॉक कम है तो स्वाभाविक है कीमतें बढ़ सकती हैं। बाजार जानकारों के अनुसार अप्रैल तक गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर जारी रहेगा, जब तक नया गेहूं बाजार में नहीं आ जाता। व्यापारी कह रहे हैं कि अभी जो गेहूं मार्केट में आ रहा है वो पुराना है और कम मात्रा में मंडियों में पहुंच रहा है, जिससे गेहूं के भाव बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाद अप्रैल में नई फसल आने पर गेहूं की कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कृषि मंत्रालय के तहत आने वाले ICAR IIWR के अधिकारियों ने कहा है कि इस साल किसानों ने गेहूं की DBW 187 और DBW 303 और DBW 222, DBW 327 और DBW 322 किस्मों की बुआई की है, तो ज्यादा उपज देने में सक्षम है। साथ ही गेहूं की ये किस्में अधिक तापमान को सहन करने में भी सक्षम है। वहीं गेहूं के रकबे की बात की जाए तो इस साल गेहूं की बुआई 211.62 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल 200.85 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की गई थी। इस तरह से पिछले साल की अपेक्षा गेहूं के रकबे में 5.36% की बढ़ोतरी हुई है। ICAR और IIWR के अधिकारियों का कहना है कि इस साल की रबी की फसल के दौरान राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में गेहूं के रकबे में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। ICAR और IIWR के अधिकारियों की माने तो इस साल भारत में लगभग 11.2 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हो सकता है, जो पिछले साल हुए उत्पादन से लगभग 50 लाख टन ज्यादा है। और इसके पीछे का कारण है कि इस साल गेहूं की ऐसी किस्मों की बुआई की गई है जो अधिक गर्मी में भी अधिक उत्पादन देने में सक्षम है। केंद्र सरकार हर वर्ष रबी और खरीफ विपणन वर्ष के लिए साल में 2 बार अधिसूचित की गई फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। इस बार रबी विपणन वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का MSP 110 रुपए बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो रबी फसल विपणन वर्ष 2022-23 के लिए 2015 रुपए प्रति क्विंटल हुआ करता था। दरअसल इस समय देश की विभिन्न मंडियों में गेहूं का भाव MSP से ऊपर चल रहा है। यदि नई फसल के आने तक ऐसे ही भाव में तेजी रही तो इस बार किसानों को बाजार में गेहूं के बेहतर भाव मिल सकेंगे। इससे MSP पर गेहूं की खरीद पर असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बाकी टाइम्स टीवी।